और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। दिल्ली में बिजली पानी के मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। आज फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी के मुद्दे को लेकर हंगामा किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के लोग बीजेपी पानी की किल्लत झेल रहे हैं, ये कहना है। फिलहाल तो जिस वक्त ये समस्या उठ खड़ी हुई थी उसी के बाद इसको मुद्दा बनाया गया और केजरीवाल सरकार राजनीति कर रही है ये कहा जा रहा है। चंद दिन पहले भी बिजली पानी के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और आज फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो बिजली और पानी को मुद्दा अब लगातार बनाया जा रहा है, ये बताते हुए कि जो वादा किया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से कि दिल्ली को बिजली और पानी की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब इन कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, इनको कंट्रोल करने के लिए इन पर पानी की बौछार भी की गई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से प्रदर्शन किया गया। केजरीवाल जी रोज दावे करते हैं कि हम 700 लीटर पानी रोज फ्री देंगे, यहाँ 70 लीटर पानी भी नहीं आता। आज भी लोगों के घर बाहर बर्तन लगे हुए घर के बाहर पानी पीने के लिए, चार चार पांच पांच घंटे लाइट जाती है रोज, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां बिल्कुल बंद पड़ी हैं, एमसीडी के पास फंड ही नहीं है कि उसको रिपेयर करवा सके। बिजली की और पानी की और इसकी सारी समस्या इतनी है कि गर्मी इतनी हो रही है कि हमारे कोई परेशानी, बच्चों को भी परेशानी है। अब जो वादे करें वो तो पूरा करें, हम तो समझते हैं सबको मिले, हर कोई मिले। हम लोग का दिक्कत ये कि पहले तो गरीबों का सहारा मिलता था, अब क्या मिल रहा है? हम लोग का विधवा पेंशन ले रुक गया, क्या मिल रहा है? भाई साहब डेढ़ महीना में पानी मिल पा रहा है, वो भी गाली गलौज दे के लिए बड़ी मुश्किल से, और बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल कोई नहीं है, सड़कें कोई। और इधर रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए सोनिया ने कहा कि सरकार जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोनिया ने यह भी कहा है कि मोदी कोई शहंशाह नहीं है, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। मैम लगातार आपके परिवार पर और देश में जब अभी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। मैम आपके और आपके परिवार पर लगातार निशाने साध रहे, करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। भाई ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का के षड्यंत्र का एक बार बार रोज रोज नया किसान नया कदम अगर ये भी एक षड्यंत्र है, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ ना कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी। तो फिलहाल अभी आपने देखा जिस अंदाज में जवाब दिया गया है सोनिया गांधी की तरफ से, रायबरेली वो पहुंचे और मोदी सरकार पर एक बड़ा हमला किया। रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कोई शहंशाह नहीं है, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। तो एक तरीके से जो एक अंदाज तीखे तेवर आज देखने को मिले सोनिया गांधी के, आमतौर पर किसी भी मामलों पर वो चुप्पी साधे रखती हैं, लेकिन आज जब रायबरेली पहुंची, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, तो अंदाज बिल्कुल अलग। अमिता पारुल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, जिस तीखे लहजे में जवाब दिया गया है, साफ तौर पे ये एक तरीके से सोनिया गांधी जब भी बात रखती हैं तो ये एक अंदाज उनका नहीं, ये कहें कि दरअसल लोगों को बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है उसके पीछे साजिश है, रणनीति है। देखिए श्वेता, सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे का पहला दिन था और पंचायत भवन के जिस कार्यक्रम से वो निकलते हुए जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, उस अंदाज में सोनिया गांधी हमें अक्सर नजर नहीं आती है। जिस तरह से हमने पार्लियामेंट में भी उसको बोलते हुए देखा है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि वो गुस्सा उनके चेहरे से नजर आए। आज जब लोगों ने उनसे सवाल किया
रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर भी सवाल था, जिस पर उन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि इसकी जांच करा ली जाए। और जब प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता इस बात को बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए और हो जाएगा, जिस तरह से इलेक्शंस कई सारे इलेक्शंस में रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो उस सवाल के जवाब में सोनिया गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए अपनी बात रखी है। तो इस अंदाज में सोनिया गांधी हमें अक्सर दिखती नहीं है और अपने क्षेत्र में इस तरह से जो उनका जवाब आया है उसके भी कई तरह के राजनीतिक मायने अब जरूर निकाले जाएंगे। बिल्कुल, चलिए अमिता, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बात कही गई कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से लंदन में बेनामी संपत्ति खरीदी गई है और इस मामले की जांच के लिए ईडी को लिखा है किरीट सोमैया ने, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के वकील की तरफ से आरोपों का खंडन किया गया है, लेकिन अब ये जवाब सोनिया गांधी ने दिया है कि जांच करा ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि मोदी कोई शहंशाह नहीं है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। तो रॉबर्ट वाड्रा पर जिस तरह से किरीट सोमैया ने यह कहते हुए आरोप लगाया था कि लंदन में बेनामी संपत्ति है, ईडी को चिट्ठी लिखी तो इन्होंने इस मामले की जांच के लिए, और अब जब रायबरेली पहुंची हैं सोनिया गांधी तो इस मामले में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ तौर पे एक तरीके से कहा है कि जांच करा ली जाए और उसके बाद साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा से भी चार दिन पहले इसी मामले में सवाल किया गया था, उन्होंने उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दिया था। हालांकि उनके वकील ने जरूर ये बात कही थी कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपको बताएं कि जिन संपत्तियों का जिक्र हो रहा है उसमें एल्ट्रन हाउस बायस्ट्रन स्क्वायर लंदन से जुड़ी हुई ये संपत्तियां हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के वकील कह रहे हैं ऐसा नहीं है।